जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर आज एक मात्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रह गया है, यह जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका स्वरूप भी बहुत व्यापक हो गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो शहर में रहता हो या देहात में, गरीब हो या अमीर, कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसी तरीके से यह जीवन के हर पहलू में समाया हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, मनोरंजन हो, दैनिक जीवन की अन्य गतिविधियां हो, चिकित्सा हो आदि। कंप्यूटर एक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसका जो नेटवर्क है उसका भी बहुत व्यापक इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आधारित उपकरण भी बहुत उपयोगी और बहुत व्यापक भूमिका अपना रहे हैं। अब हम आते हैं विकलांगता पर। विकलांगता एक अति प्राचीन और जटिल समस्या है, बहुआयामी समस्या है। इसके अनेक रूप होते हैं। यह जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है, शिक्षा पर भी प्रभाव डालती है, रोजगार पर भी प्रभाव डालती है। इसके कारण व्यक्ति से समाज से कट जाता है, वो अपना दैनिक जीवन यापन भी नहीं कर पाता है। मनोरंजन आदि की तो बात छोड़ दीजिए, उसकी गतिशीलता बहुत ज्यादा बाधित हो जाती है। ये इतनी व्यापक है कि इसको एक व्याख्यान में समझाना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ इसके मोटे मोटे रूप आपको बता रहा हूं कि जैसे कुछ लोगों के हाथ या पैर नहीं होते हैं, या बहुत कमजोर होते हैं, या बहुत विकृत होते हैं, और इनके कारण वो इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते। इसी तरीके से कुछ लोग देख नहीं पाते हैं, कुछ लोग बहुत कम देख पाते हैं, कुछ लोग बहुत सीमित दायरे में देख पाते हैं, उनका जो एंगल ऑफ विजन है वो बहुत कम होता है, कुछ लोग रात में नहीं देख पाते हैं, वगैरह वगैरह कई तरीके, कुछ लोग कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। तो ये भी एक बहुत व्यापक समस्या है। इसी तरीके से कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, कुछ लोग बहुत कम सुन पाते हैं, कुछ लोग कुछ फ्रिक्वेंसियों पर ही सुन पाते हैं, और बहुत सारी कठिनाइयां उनको अनुभव करनी पड़ती हैं, और उनको समझना भी, मतलब क्या वो भोग रहे हैं वो एक अलग बात है, वो उनको इस समस्या को समझना भी एक बहुत ही जटिल विषय हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं, उनकी IQ बहुत कम होती है, वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, कुछ ही चीजों को समझ पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ दोहराने वाले कार्य कर पाते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों की और एक बहुत विचित्र समस्या होती है कि उनकी विकलांगता दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी दिखाई देती है, वो डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया टाइप की विकलांगता होती है। अभी आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी आमिर खान की, तो उसमें डिस्लेक्सिया के बारे में समझाया गया है। तो उनकी जो समस्या है वो बहुत ही विचित्र होती है, लोग उनको सामान्य मानते हैं लेकिन वो सामान्य होते नहीं है। जिस कारण जब वो पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं तो बहुत अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ता है, और उस कारण उनकी जो अन्य क्षमताएं हैं वो भी धीरे धीरे दबने लगती हैं। कुछ लोग सरल पाल्सी के शिकार होते हैं, स्पास्टिक लोग भी कहते हैं, और उनके मस्तिष्क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है, जिसके कारण उनसे जुड़ा हुआ अंग जो है वो काम नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है, या उनके बीच में समन्वय नहीं हो पाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इस तरीके के कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा विलक्षण प्रतिभा वाले भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। और कुछ लोगों में बहुत भयंकर समस्या होती है, उनमें एक से अधिक विकलांगता होती है, उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट जो वो जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बहुत भयानक होता है और उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। अब आप मतलब एक तरफ तो ये एक समस्या हो गई, एक तरफ ये कंप्यूटर आया, तो अब इन दोनों का यदि संगम कराया जाए, एक मतलब कंप्यूटर का इस वर्ग के लिए उपयोग कराया जाए, तो उससे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ कि आज जो है कंप्यूटर का उपयोग एकल रूप में कम होता है,
और नेटवर्क का उपयोग अब बढ़ता जा रहा है और नेटवर्क का उपयोग जो है संसार के कोने कोने तक हो पा रहा है। इसके कारण क्या है कि सूचनाओं का जो प्रवाह है वो बहुत सरल होता जा रहा है, बहुत तीव्र गति से होता जा रहा है। ये एक पर्यावरण के लिए मित्रवत भी है और इसके कारण कागज आदि की बहुत बचत होती है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा लाभ जो हो रहा है कि इसका उपयोग करने में शारीरिक श्रम की का जो उपयोग है वो बहुत कम होता है और मानसिक श्रम से काफी काम हो जाता है, बहुत उपयोगी काम भी हो जाता है और इसके कारण शिक्षा और रोजगार दोनों में जो विकलांगों की भूमिका है वो बढ़ रही है। अब यह है कि लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कोई भी प्रौद्योगिकी सामान्य जनों के लिए विकसित की जाती है, बहुत कम प्रौद्योगिकी है, नहीं के बराबर है कि जो सिर्फ विकलांगों के लिए विकसित की जाती है। आमतौर पर हर प्रौद्योगिकी सामान्य लोगों के लिए विकसित की जाती है और उसके बाद उसका धीरे धीरे अनुकूलन किया जाता है, मतलब विकलांग लोग इसको कैसे इसका उपयोग कर सके ये प्रयास किए जाते हैं। तो अब हम आते हैं कि कैसे उपयोग किया जाए। आमतौर पर एक धारणा है समाज में, धारणा है कि भाई अगर विकलांगों के लिए कोई चीज विशेष रूप से विकसित की जाएगी या अलग से विकसित की जाएगी तो बहुत खर्चीली होगी, कीमत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन कंप्यूटर के बारे में भी मैं आपको सिद्ध करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीजें बहुत आसानी से बहुत कम खर्चे पर हो सकती हैं और इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। तो अब मैं आता हूं कि जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि भाई कोई भी मशीन जब का जब विकास किया जाता है तो इस तरीके से विकास किया जाता है कि हर प्रकार का व्यक्ति, हर प्रकार का मनुष्य उसका उपयोग करे। जैसे कुछ लोग छोटे कद के होते हैं, कुछ लोग लंबे कद के होते हैं, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, कुछ लोग काफी मोटे होते हैं, कुछ लोगों में समय के साथ कुछ समस्याएं हो जाती हैं और कुछ लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं, कुछ लोगों की नहीं हो पाती। जैसे मान लो कई बार आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ जाता है, वो प्लास्टर 2-3 महीने के बाद उतरता है, उसका पट्टी चढ़ जाती है, कुछ बाधाएं होती हैं। तो हम जब भी किसी मशीन का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार डिजाइन करते हैं, तो ये ध्यान में रख के करते हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों में कर रहे। तो उसी तरीके का अब जो कंप्यूटर और जो हमारी वेबसाइटें हैं और जो कंप्यूटर आधारित उपकरण है उनका भी विकास इकोनॉमिक्स में एक पहलू ये भी जुड़ गया है कि भाई अब आप जो भी विकसित करें वो ये देखकर करें कि लगभग सभी प्रकार के विकलांग जन उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लें और तभी वो सिस्टम सफल माना जाएगा। बहुत से देशों में तो एक कानूनी प्रक्रिया भी हो गई है कि भाई उसको मान्यता तभी मिलेगी जब वो उसका उपयोग विकलांग जन भी कर ले, खासतौर से वेबसाइटों के मामले में तो ये अनिवार्य हो गया है। और इसके अलावा जो वेबसाइटें आपके व्यापार व्यावसायिक उद्देश्य से होती है वहां तो जो विकसित करने वाला व्यक्ति है, जो कि विकलांगों का भी एक मार्केट है, बाजार है, वो लोग भी खरीदते हैं या उनके परिवार में खरीदते हैं या उनके लिए खरीद होती है या सरकारी पर जब खरीद होती है तो उसमें उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से भी ये उपाय किए जा रहे हैं कि हर प्रकार के विकलांगजन ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके और वो मतलब ज्यादा से ज्यादा देर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर सके या कंप्यूटर आधारित उपकरण का इस्तेमाल कर सके, वो उनको ज्यादा देर बैठने में कठिनाई नहीं हो। और विशेष बात यह है कि जो पहलू इस प्रकार के डिजाइन में उपयोग हो रहे हैं वो सभी प्रकार के जो सामान्य जन भी जो है उनके लिए भी उपयोगी है। कई बार आप भी जो है अगर मान लीजिए आपको ज्यादा खुलापन या ज्यादा ओपननेस नहीं मिलती है तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन अगर कोई खिलौना या जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर देता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो एक कान से बिल्कुल नहीं सुनते थे और दूसरे कान में भी 80% उनकी विकलांगता थी, मतलब सिर्फ 20% सुन पाते, लेकिन उन्होंने टेलीफोन का विकास कर दिया। टेलीफोन का आविष्कार तो कहां पहले किया था लेकिन उसको व्यवहारिक उपयोगी बनाया था
क्योंकि उन्होंने अपने लिए उस टेलीफोन का जब और परिष्करण किया और इतना उपयोगी बना लिया कि जब वो भी सुनने लगे तो वो सामान्य व्यक्तियों के लिए तो अति उपयोगी हो गया, तो कुछ इस प्रकार की अवधारणा का उपयोग भी हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ छोटे से उपयोग बताता हूँ कि जिनको अगर किया जाए तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर का उपयोग करने वाले के लिए अनिवार्य होती है, लेकिन बहुत से लोग, किसी का एक हाथ ही होता है, वो अगर दो की एक साथ दबाना हो या अगर उनकी उंगलियां बहुत कमजोर है तो दबाना हो या दोनों तरफ से काम करना हो तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग माउस का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन सब के लिए बड़े छोटे छोटे उपाय होते हैं। कुछ लोग, कुछ जगहों पर ऐसा होने लगा है कि कीबोर्ड की जगह एक छोटा कीपैड टाइप का विकसित कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी उन व्यक्तियों की क्षमता ज्यादा बड़े कीबोर्ड को इस्तेमाल करने की नहीं होती है, तो जिन की का वो ज्यादा उपयोग करते हैं उनका एक कंपैक्ट यानी कि सघन रूप उनको उपलब्ध करा दिया जाता है और वो उनकी सहायता से बड़े आराम से काम करते हैं। कुछ लोग की को पूरा दबा नहीं पाते हैं, वो उनके लिए उस प्रकार का उपयोग हो जाता है, टच स्क्रीन टाइप का, जितना न्यूनतम स्पर्श से उनका काम चल जाता है। कुछ लोगों को दिखाई कम देता है तो उनके लिए बड़े आकार के कीबोर्ड बना दिए गए हैं या उनकी की का आकार बड़ा बना दिया जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग जो नेत्रहीन होते हैं वो उनके लिए कीबोर्ड में ब्रेल का जो संकेत है वो बना दिया जाता है, ए के साथ ए का जो ब्रेल का संकेत है वो बना दिया जाता है। कुछ लोगों को उभरे अक्षर बना दिए जाते हैं, कुछ लोगों को कंट्रास्ट वाले रंग उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिन लोगों को कम दिखाई देता है या एक ही रंग दिखाई देता है उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो अब आप देखिए कि ये सारे जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं और बहुत कम खर्चे वाले हैं, लेकिन उससे उस व्यक्ति के उपयोग करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से कुछ लोगों के हाथ ही नहीं होते या बिल्कुल बहुत कमजोर होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए पैर से उपयोग होने वाला कीबोर्ड, पैर से उपयोग होने वाला माउस, ये भी आजकल उपलब्ध है और बहुत सस्ते हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो इनको सब्सिडी भी मिल रही है और कुछ जगहों पर सब्सिडी नहीं भी मिल रही है, तो कंपनियां अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो है इन सब का की व्यवस्था कर देती हैं और बाई ओर या दाई ओर इस तरीके छोटे छोटे परिवर्तन जो है उनसे व्यक्ति कीबोर्ड और माउस का उपयोग कर लेता है। इसके अलावा जॉयस्टिक, टच बॉल टाइप के जो छोटे छोटे उपकरण जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग उनका इस्तेमाल करके काम चला लेते हैं। तो इस तरीके से